जॉब संबंधी अपडेट पाने के लिए नवजागृति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नवजागृति यूट्यूब चैनल में, जहां मैं लाता रहता हूं आपके लिए नई नई जॉब की जानकारी। और आज की जॉब है लेबर ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा जारी स्टेनोग्राफर सहित विभिन्न पदों की। लेबर ब्यूरो चंडीगढ़ ने स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट, इन्वेस्टिगेटर, सुपरवाइजर, कंसल्टेंट के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स 30 जून 2018 से पहले ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं बताने वाला हूं 26 जून 2018 के क्वेश्चन का सही जवाब देने वालों के नाम। और उसका सही जवाब दिया है मिस्टर प्रहलाद जाट, मोहम्मद अरशद अरमान, रमन कुमार, लाखनलाल पटेल, विराट चंद्रा, अवनीश सिंह, इस्माइल वर्मा, छोटे लाल मंडल, सरोज कुमार, अंजलि गौतम, सत्यवान वर्मा, अनिकेत बिंग जिंदल, श्यामवीर सिंह, विष्णु कोरी, कंप्यूटर एंड अदर नॉलेज विद योगेश योगी। साथियों, आज भी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं जॉब की। पोस्ट का नेम स्टेनोग्राफर, जिसका पे स्केल 14,520 रुपये पर मंथ का है। असिस्टेंट, जिसका पे स्केल 14,520 रुपये पर मंथ का है। और इन्वेस्टिगेटर के पद का वेतनमान 19,800 रुपये पर मंथ का है। और अगला पद सुपरवाइजर, और इसका वेतनमान 21,120 रुपये पर मंथ का है। और अगला पद कंसल्टेंट का है, जिसका वेतनमान पे स्केल 60,000 रुपये पर मंथ का है। जॉब लोकेशन इसकी ऑल ओवर इंडिया है। एज लिमिट, अभ्यर्थी की आयु स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट पद के लिए कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। और इन्वेस्टिगेटर पद के लिए कम से कम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। सुपरवाइजर और कंसल्टेंट पद के लिए अभ्यर्थी की आयु कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 30 जून 2018 के अनुसार की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्टेनोग्राफर पद शैक्षिक योग्यता रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th क्लास इंटरमीडिएट या उसके इक्विवेलेंट पास होना चाहिए। शॉर्ट हैंड में 80 शब्द प्रति मिनट और टाइप में 40 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। असिस्टेंट पद हेतु शैक्षिक योग्यता, अभ्यर्थी कंप्यूटर की नॉलेज के साथ बैचलर डिग्री या उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। इन्वेस्टिगेटर पद हेतु शैक्षिक योग्यता, अभ्यर्थी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीए, बीकॉम या बीएससी या स्टैटिक्स या मैथ या इकोनॉमिक्स में किसी एक सब्जेक्ट में बीबीई होना चाहिए। सुपरवाइजर पद हेतु शैक्षिक योग्यता, अभ्यर्थी इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। कंसल्टेंट पद हेतु शैक्षिक योग्यता, अभ्यर्थी इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी, स्टेनोग्राफर के कुल पदों की संख्या 6 है, असिस्टेंट के कुल पदों की संख्या 12 है और इन्वेस्टिगेटर के कुल पदों की संख्या 695 है और सुपरवाइजर के कुल पदों की संख्या 143 है और कंसल्टेंट के कुल पदों की संख्या 19 है। एप्लीकेशन फ़ी, देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी, इसमें किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी फीस जमा नहीं करनी है। सिलेक्शन प्रोसेस, अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार में प्राप्त योग्यता, अनुभव और अंक के आधार पर किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट www.ibchd.in के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट टू रिमेम्बर, इसमें आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 26 जून 2018 है और इसकी लास्ट डेट 30 जून 2018 है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज गो टू एडवर्टाइजमेंट लिंक एंड वेबसाइट
इससे अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.ibchd.in पर जाएं और पूरे नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आपको आवेदन करना भी चाहिए। इसके नोटिफिकेशन का लिंक और वेबसाइट का लिंक, दोनों ही लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन और वेबसाइट दोनों ही देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और अब समय है आज के क्वेश्चन का। आज आपके लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? ऑप्शन ए लीला सैमसन, ऑप्शन बी सोनल मानसिंह, ऑप्शन सी सितारा देवी, ऑप्शन डी गीता रामचंद्रन। तो कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में सही आंसर देने वालों के नाम अगले वीडियो में अनाउंस किए जाएंगे। इसी तरह जॉब के डेली अपडेट पाने के लिए नवजागृति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल के आइकॉन को सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।